अब जब इसने बैग खोला तो बैग में जानवरों के कटे हुए औजार पड़े थे। ओए होए अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। Alright friends, assalamualaikum. Welcome to yet another the Bhoot Show और the Bhoot Show की एक और स्टोरी के साथ। मैं हूँ आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ और जावेद सुमरो साहब। जावेद सो गए क्या? हेलो, स्टोरी शुरू कर रहे भाई, जरा मूड में आ जाए यार। आप करो, मैं नींद कर रहा हूँ यार, नींद आ रही है। ओके डॉक्टर साहब, क्या स्टोरी सुना रहे हैं? जो भी होगी बड़ी मजे की स्टोरी होगी। बिल्कुल आपके लिए। आशी, ऐसा कभी हुआ है कि तू रात को अकेला सफर पे निकला हो? जैसे अभी हम जा रहे हैं, अभी तो हम तीन बंदे हैं, और तुमसे किसी ने लिफ्ट मांगी हो और पूरा रास्ता वो तुमसे बात करता हुआ चला हो या करती हुई चली हो, और जब उसके उतरने की जगह आए, जब उसकी मंजिल आए, तो वो तुम्हारी गाड़ी में मौजूद ना हो। अपना एक उसूल है, लिफ्ट नहीं देते। अकेला हूँ या दोस्तों के साथ, मैं किसी को लिफ्ट नहीं देता। हाँ, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जी, एक दोस्त है हमारा, उसने ये किस्सा बताया कि काशी भाई, मैं जा रहा था सक्खर की साइड हैदराबाद से, तो मैं हैदराबाद से निकला और हैदराबाद क्रॉस कर लिया, और तकरीबन कोई एक घंटा या दो घंटे की ड्राइव के बाद मुझे एक बंदा खड़ा हुआ नज़र आया, और बहुत सुनसान थी, खाली जगह थी, और वहाँ पे और कोई भी नहीं था, ना कोई स्टॉप था, ना कुछ। बराबर में ये जिस तरह से अभी ये दरख्त है, जंगल है, इस तरह के जगह थी, तो मुझे एक बंदा था, उसके पास कुछ सामान था, उसने हाथ दिया और मैंने गाड़ी रोक ली, और उसने मुझसे कहा कि यार मुझे सिर्फ यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव पर जाना है, यहाँ से कोई मुझे पिक नहीं करेगा, तो मेहरबानी करके आप मुझे सिर्फ यहाँ से आधा घंटा। तो कहने लगा, मैंने उससे पूछा, भाई देखो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तुम्हारे पास हाथ में सामान है और पता नहीं क्या हो, आगे जाके मेरे लिए कोई मसला हो, तुम लूट लो, तो मैं तुम्हें इस तरह से कैसे लिफ्ट दे दूँ। अब वो दिल बेचारे का वो था कि यार खड़ा हुआ है, उसने कस्में खाई, सामान दिखाया, बोला अच्छा ठीक है, बोला मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन तक नहीं है कि मैं किसी को कॉन्टेक्ट करूँ या कुछ, बोला अच्छा ठीक है बैठ जाओ। वो बैठ गया, अब उसने गाड़ी चलाना शुरू की। रात का वक्त था, क्योंकि उसने कहा कि रात को जल्दी सफ़र मेरा तय हो जाएगा, गाड़ियाँ भी कम होती हैं, और फिर मैं आराम से सुबह तक, मेरा काम है तो मैं सत्तर पहुँच जाऊँगा, अपना काम वाम निपटा के फिर मैं आराम कर लूँगा, और फिर शाम में या रात में दोबारा निकल आऊँगा। तो कहने लगा काशी भाई, मैंने उस बंदे को बिठाया, उस बंदे ने मुझसे बातें करना स्टार्ट। अब उसकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बड़ी अजीब किस्म की वो बातें कर रहा था। बातें मिसाल के तौर पे कि यार अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारे सामने कोई आ जाए और हमें गाड़ी रोकनी पड़ जाए और फिर वो हमें नज़र ना आए, मतलब उसको डराने वाली बातें। तो इसने बोला, यार बात सुनो, मैं डरने वरने वाला नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ इन चीज़ों से, ठीक है, और अगर वैसे ही सफ़र तय करना है तो किसी और चीज़ पर बात कर लेते हैं, तो बेहतर यह है कि हम इन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते। उसने बोला, नहीं तुम्हें पता है ये चीज़ें होती हैं, और ये सुनसान रोड जो होते हैं, इन चीज़ों पर वो चीज़ें रात को निकलती हैं, चलती हैं, तुमने मुझे लिफ्ट दे दी और हो सकता है कि मैं भी इसी तरह की कोई चीज़ हूँ। तो कहने लगा, जब उसने मुझे ये बोला ना कि हो सकता है कि मैं भी इसी तरह की चीज़ हूँ, तो फौरन मेरे कान खड़े हो गए कि यार ये बयाबान में खड़ा हुआ था, इसके पास मोबाइल तक नहीं है, इसके बैग में सिर्फ कपड़े हैं, तो अब ये मुझसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। लगा अब तो उठा लिया है, अब तो साथ गुजारा करना है इसको, आधा घंटा तो उसको बर्दाश्त करना है। बोला बातें करते गए, बोला एक जगह ही आधा घंटा गुजर गया, मेरे वो सारे वहम जो थे, जो डर था, वो ख़त्म हो चुका था, कि वो फिर उसके बाद नॉर्मल बातें करने लग गया था। बोला जहाँ पे उसको उतरना था, उसने मुझसे कहा कि यार यहाँ पे गाड़ी रोको और मैं उतरूँगा।
कहने लगा वो जगह भी काफ़ी बयाबान थी, खाली थी, बोला मैंने गाड़ी रोक दी उस जगह पे और वो बंदा वहाँ से उतर गया। बोला वो बंदा उतरा, मैं गाड़ी लेके आगे बढ़ गया। 10 मिनट की ड्राइव की होगी तो मेरी गाड़ी मुझे बहुत भारी किस्म की लगी कि जैसे मेरी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ हो किसी ने, जिस तरह से ब्रेक जाम हो जाते हैं। हाँ, तो कहने लगा मैंने साइड पे गाड़ी लगाई और गाड़ी चेक की, ब्रेक चेक किए, टायर चेक किए, बोला मुझे समझ में ना आए, लेकिन मेरी गाड़ी में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि यार मतलब जहाँ मैं गाड़ी में पाँव ज़मीन पे कुछ था वो मेरे शूज़ में लग गया, गाड़ी में बैठा हूँ। बोला मैंने फिर मट्टी में दोबारा गाड़ी रोक के अपने पाँव वाँव साफ किए, फिर गाड़ी स्टार्ट की दूसरी बार, फिर मैं चला गया। बोला मैं 10 मिनट की ड्राइव पर दोबारा गया, गाड़ी में वही बदबू और वही अपना पाँव अपना वो जाम। बोला अब लेकिन उसके साथ हुआ क्या कि मुझे गाड़ी की डिक्की से मतलब बजाने की आवाज़ आई, जैसे कोई गाड़ी की डिक्की बजा रहा हो। ओके, गाड़ी की डिक्की बज रही, तो इसने गाड़ी के उसमें देखा, स्क्रीन अपना मीटर में देखा और सामने स्क्रीन में देखा कि कहीं कोई डिक्की खुली हुई तो नहीं है, वो जो इशारा देते हैं सही है। अब तो डिक्की भी खुली हुई नहीं थी। इसने कहा यार मसला ये है कि बदबू भी आ रही है, डिक्की से आवाज़ें भी आ रही हैं, अंधेरा भी है, सन्नाटा भी है। इसने क्या किया, आगे साइड पे गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतर के गाड़ी की डिक्की खोली। जब इसने डिक्की खोली तो वो जो बंदे का बैग था उसके हाथ में, वो बैग इसकी गाड़ी की डिक्की में पड़ा हुआ था। ओके, अब ये परेशान, ठीक है, परेशान है से कि यार ये बंदा तो अपना उतर गया था, बैग इसका मैंने डिक्की में रखा नहीं था, बैग तो इसका हमने रखा था इसके अच्छा। अपने हाथ में था। ओके ओके ओके, तो ये बैग इसका डिक्की में कैसे आया? ठीक हो गया, सही है। अब क्या हुआ जनाब, इसने कहा कि यार मैं बैग को चेक करता हूँ। इसने मुझे चेक करवाया तो बैग में तो कपड़े थे, अब मैं देखता हूँ कि इस बैग में क्या है, हो सकता है स्मेल इसकी बैग में से कहीं से। हाँ, अब जब इसने बैग खोला तो बैग में जानवरों के कटे हुए औजार पड़े हुए, मतलब उसकी हड्डियां फ्लैश वगैरह। हाँ हाँ, वो सारा इस तरह का। अब ये परेशान हो गया, उसने बोला ये क्या मुसीबत है यार, मतलब मैंने मेरी गाड़ी में ये बैग मैंने रखा नहीं है, ये वही बैग है जो उस बंदे के हाथ में था। ओके, और अब वो उसको खोला है डिक्की, सबसे पहली बात कि डिक्की में कैसे आया। अब जब डिक्की में आ गया तो उसके अंदर ये गोश्त, ये हड्डियां, ये जानवरों की, बहरहाल इसने क्या किया, वो बैग उठाया, गाड़ी से बाहर फेंक दिया डिक्की बंद की और इसने गाड़ी अपनी स्टार्ट की और ये निकल गया। अब इसकी गाड़ी हल्की हो गई, ठीक है। तेलंगा में थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे गाड़ी में स्मेल आने लगी दोबारा उसी तरह की। अब क्या हुआ कि लगा मैं, मुझे लगा कि गाड़ी में मेरी पिछली सीट पे कोई बैठा हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे ये ड्राइविंग सीट है, इसके पीछे जाऊ बैठे तो तुझे नजर आएगा, लेकिन इसके पीछे बैठा हुआ था। तो उसने बोला मैं, मुझे फील हो रहा है कि लिटरली मेरी गाड़ी की सीट पे पीछे कोई बैठा हुआ है। बोला मैंने शीशा घुमाया तो वो बंदा मेरे गाड़ी की पीछे सीट पे बैठा हुआ था और वही बैग गाड़ी के पीछे सीट पे पड़ा हुआ था। कहने लगा मेरी तो हालत हो गई तबाह। मैंने पढ़ना शुरू किया, आयत पढ़ी, ये वो। बोला वो बंदा वहाँ पे गायब हो गया, स्मेल वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन हुआ क्या, आगे थोड़ा जाके मेरी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो गया। ओके, स्पेयर पड़ा था मैंने, अब अंधेरा वीराना, गाड़ियाँ तो गुजर रही हैं लेकिन बंदा तो अकेला। कि लगा मेरी हालत बहुत टाइट हो गई कि यार मुझे डर लग रहा है, मैं टायर, मैंने एक गाड़ी को हाथ दिया, दूसरी गाड़ी को हाथ दिया, कोई नहीं रुका। एक गाड़ी रुकी तो कहने लगा कि मैंने कहा कि आगे जाके रुकिए, मैं इसको बोलता हूँ यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, टायर चेंज करवाना है। कहने लगा मैं उस गाड़ी की तरफ बैठा गया तो उस गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था वो वही बंदा था जो मेरी गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा था, जिसको मैंने लिफ्ट दी थी।
लेकिन वो बंदा मुझे पहचान नहीं रहा था। मैंने उसको देख के मैं डर गया, कहने लगा जी क्या हुआ, आपने हाथ दिया, मसला है, कोई परेशानी है? कहने लगा अब मैं उसको क्या बताऊं कि मेरी परेशानी तो तू ही है, तुझे मैंने वहां से यहाँ तक लिफ्ट दी, फिर तू गाड़ी में मेरे पीछे नजर आया, फिर तू तेरा बैग पड़ा हुआ। तो इसने कहा कि हाँ मेरी गाड़ी का टायर जो है वो, मेरी गाड़ी का जो टायर है वो पंक्चर हो गया, मेरी हेल्प कर दे। तो इसने कहा अच्छा। इसने गाड़ी से मुंडी निकाली, उसकी गाड़ी को तरफ देखा तो कह लगा तुम्हारी गाड़ी का टायर तो ठीक है, ओके। कह लगा नहीं नहीं पंक्चर है। बोला नहीं भाई तुम्हारी गाड़ी का टायर ठीक है, तुम चेक कर लो। कह लगा मैंने देखा गाड़ी की तरफ तो गाड़ी का टायर तो ठीक था, जो मैंने अपने आंखों से गाड़ी का टायर बाकायदा बर्स्ट हुआ था वो टायर ठीक था। कह लगा अब अच्छा, जब मैंने गाड़ी की टायर की तरफ पलट के दोबारा उस बंदे को देखा तो गाड़ी नहीं थी, मतलब वो जो गाड़ी आई थी ना, वो बंदा था ना वो गाड़ी थी। तो कहने लगा अब मेरी इतनी हिम्मत ना हो कि मैं यहाँ से या आगे जाऊं या पीछे जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो सखर का रास्ता लंबा पड़ा हुआ है। कहने लगा मैं आगे गया तो एक शहर आया छोटा सा, वहां मैंने होटल पे गाड़ी रोकी और मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा यार मुझे चाय पिलाओ। तो मैंने कहा मैं यहीं पे टाइम गुजार रहता हूँ, रोशनी होती है तो फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, गाड़ी में ही लेट जाता हूँ। कहने लगा मैंने उस बंदे को बोला वेटर को कि जा चाय ले आ। तो उसने बोला साहब चाय इस वक्त तो थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है, मैं देखता हूँ, मैं बावर्ची को जगाता हूँ और वो चाय बना के दे देता है, तो मैं आपको चाय दे रहे, छोटी सी होटल थी तो चाय आपको दे देंगे, ओके। बोला वो वेटर चला गया 15 मिनट के बाद, ठीक है 15 मिनट के बाद जो है वो जनाब बंदा एक चाय लेकर दूर से आ रहा था। बोला मेरी गाड़ी की लाइट बंद थी, अंधेरा था, छोटी सी होटल थी, उसने मेरे शीशे पे नॉक किया, मैंने शीशा नीचे किया तो वही बंदा चाय लेकर आया तेरी। कहने लगा यार आज मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। अच्छा वो बंदा उसको वहां भी नहीं पहचान रहा, उसने उसको चाय दी। कहने लगा मैंने कांपते हुए हाथों से उससे चाय ली, चाय पी है मैंने, चाय पीने के बाद जब मैं हॉर्न दे रहा हूँ तो कोई आ नहीं रहा, न कप लेने ना कुछ। कहने लगा मैंने सोचा कि मैं उठ के कप दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ और मैं उनके साथ ही बैठ जाऊँगा, जो लोग बाहर होंगे तो मेरा डर शायद मेरे दिमाग पे वो चीज़ बैठ गई है। कहने लगा मैं उतर के गया तो होटल में ना बंदा ना बंदे की जात, खाली बयाबान चीज थी और कुछ भी नहीं था, नौशन नौशन कुछ भी नहीं था, अंधेरा खंडर। बोला काशिफ भाई मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैंने कहा आज या तो मैं मर जाऊंगा या पागल हो जाऊंगा। बोला मैं भागा गाड़ी लेके, मैं रात को एक जगह कुछ लोग नजर आए मुझे, मैंने वहां गाड़ी रोकी, वहां उनको मैंने सारा मामला ये बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने कहा यार तुम बड़े नसीब वाले हो, यहाँ पे ये चीज पता नहीं कितने लोगों को नजर आ चुकी है और इसी तरह से ही होता है, तो तुम डरो नहीं, तुम यहीं पे रुक जाओ। और अब ये है कि हमारे पास अंदर ये छोटा सा हुजरे टाइप का है, तुम चल के उधर आराम आराम करो, तो फिर तुम जो रोशनी हो जाए तो तुम निकल जाना, ठीक है। तो इसने कहा यार शुक्र है अल्लाह का कि मैं सेफ एक जगह पर आ गया हूँ और नॉर्मल लोग हैं ये। जनाब जब जो उस हुजरे में जाके सोया तो इसको वही स्मेल आना शुरू हो गई जो इसकी गाड़ी में आ रही थी। अब जब इसको डर लगा कि अब वही बंदा आ जाएगा यहाँ पे, इसने उधर उधर देखा, इसको कहीं से वो स्मेल नहीं आई। जब इसने चारपाई के नीचे देखा तो जानवरों के वो लोथड़े गोश्त के और हड्डियां उस चारपाई के नीचे पड़ी हुई थी। अब इसने कहा यार यहाँ तो बड़ा मसला लग रहा है कोई इशू, ये दरवाजा खोल के बाहर निकला, इधर उधर देखा तो लोग नहीं थे, कोई अपने उधर चले गए होंगे इधर उधर, इसने यही सोचा। ये बैक साइड पे घूम के गया तो देखा वो लोग जानवर खा रहे थे,
और वो बंदा जो उसको बार बार नजर आ रहा था वो उनके साथ बैठा हुआ गोश्त खा रहा था। ओके, इसने क्या किया, खामोशी से गाड़ी निकाली और वहां से भाग गया। कि लगा काशिफ भाई मैं हैदराबाद से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव पर या 1.5-2 घंटे की ड्राइव कर चुका था। मैंने वहां से वापस गाड़ी घुमाई, ठीक है, आयते दुआएं, घर पे फोन पे कंटिन्यू बात करता हुआ मैं गाड़ी भगाता हुआ घर आया। मुझे उल्टियां ना रुके, मेरी तबीयत ख़राब, बोला मैंने जाके फ्रिज का वो खोला, ऊपर का फ्रीज़र का, बोला मेरे घर के फ्रीज़र में वही जानवरों के गोश्त के लोथड़े वो मुझे नज़र आए। मैंने कहा ये मैं अपने ही घर में आ गया हूँ या कहीं और आ गया हूँ, मेरी बीवी है, बच्चे हैं या कुछ और चीज़ें। तो कहने लगा कि वो चीज़ मेरे दिमाग पे इतना हावी हो गई कि उसके बाद मुझे हर जगह वो नज़र आने लगी। और फिर मैं एक आमिल के पास गया, आमिल ने फिर मेरे ऊपर पढ़ाइयाँ की और कहा कि भाई तुम जिस जगह से गुजरे हो वहाँ से कोई चीज़ तुम्हारे साथ जुड़ गई है जो तुम्हें अब छोड़ेगी नहीं, तुम्हारे साथ ही रहेगी, लेकिन कोशिश करते हैं अल्लाह करेगा कि तुम्हारी इससे जान छूट जाएगी। तो कहने लगा फिर काफ़ी अरसे के बाद मेरी उस चीज़ से जान छूटी, लेकिन अभी भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर की छत पर वो बंदा उल्टा लटका हुआ है, मेरे घर का पंखा चलता है तो वो बंदा उस पंखे में गोल तेज़ तेज़ घूम रहा है और चलते चलते पंखा स्लो हो जाता है। कभी मुझे लगता है कि उसके हाथों में जैसे ये उंगलियाँ हैं ना, तो वो उसकी बड़ी उंगलियाँ हैं और उसमें मोमबत्ती की तरह आग जल रही होती है और मुझे मेरी तरफ वो आग इस तरह से करता है और मुझे जलन का एहसास दिलाता है। बोला लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो गई है जो मेरे साथ पहले सारी एक नफ्सियाती उस पर मैं चला गया। मतलब ये चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप कहो दिमागी चक्कर भी है यार। देखो जब तुम एक चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लोगे ना तो वो फिर ना चाहते हुए भी तुम्हें नज़र आती है, लेकिन उसके साथ तो हादसा हुआ है तो उसके तो दिमाग पे कितना असर हुआ होगा कि तुम्हारी सोच है। अब मिसाल के तौर पे हम दोनों बैठे हैं आपस में बात करें, पीछे जाऊ गायब हो जाए, जाऊ गायब हो गया, सो गया, हाँ सो गया, लेकिन तो तुम्हें क्या लगता है एक नॉर्मल इंसान के साथ क्या होगा, क्या होगा, मतलब डरेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, और क्या होगा, मर जाएगा ज्यादा ज्यादा, और क्या होगा, और क्या होगा। वेल ये अल्लाह माफ़ करे, ये एक मैसेज है सबके लिए कि जनाब कभी भी अगर आप निकलते हैं बाहर तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि हालात वो नहीं है अब कि आप किसी को लिफ्ट दे दें और वो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, बड़ा अच्छा फील करेंगे। क्या थी, मैंने एक स्टोरी में बताया था कि मैं हाला जा रहा था और मैंने एक फैमिली को लिफ्ट दी थी, याद है? बिल्कुल याद है। तो इस तरीके से कभी मैम हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो सकता है कोई मखलूक आपको टकरा जाए, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी हालात ठीक नहीं हैं, आपसे वो जो लिफ्ट ले रहा है वो अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि डकैत निकले, चोर निकले या कोई और हो सकता है, वो बंदा किसी गलत काम में इन्वॉल्व, हाँ, और वो आपके साथ फिर गाड़ियाँ बैठ जाए और खुदा ना खास्ता फिर आपकी कहीं पे आपकी चेकिंग वैकिंग हो, आपको पुलिस पकड़े या क्या, तो पता चले कि आप भी उसके साथ लगे हाथ फंस गए। तो बेहतर यही है कि नेकी वो करें जितना आप बर्दाश्त भी कर सकें, कभी कभार नेकी गले में आ जाती है अक्सर। तो बेहतर यही है कि मेरा तो कानून ये है, क्योंकि मेरे वालिद साहब पुलिस में रहे सारी जिंदगी, तो उन्होंने हमें यही ट्रेन किया कि भाई कभी किसी को भले वो कितना भी बुढ़ा आदमी हो, कि बच्चा हो, कोई भी हो, आप किसी को लिफ्ट नहीं देंगे। अभी आप देखें कराची में बहुत सारी ऐसी वारदात हो रही हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं मोटरसाइकिल स्नैचिंग में और चोरी की वारदातों में, छोटा छोटा बच्चा, मतलब 8 साल 7 साल का बच्चा, क्या उम्र होगी। और एक तो हमने केस देखा था 4 साल का बच्चा, उसने बड़े आसानी के साथ मोटरसाइकिल को सारा अनलॉक किया, फिर इसका बाप आया है और उसने जो है मोटरसाइकिल लेकर और ये जा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और स्पेशली आप लोगों की सेफ्टी जो है वो सबसे पहले आती है, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हुआ तो आपकी पूरी फैमिली जो है वो क्राइसिस में आ जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल। तो जी आपको आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है इस स्टोरी से मिलती जुलती कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो फिर हमें वो जरूर बताइएगा। जब तक टिशू जाओ भाई जो है वो सोते सोते खा रहे हैं,
वो इंजॉय कर रहे हैं और हमें भी अब देगी इजाजत, क्योंकि अब हमारे इस वीक की स्टोरीज काफी हो गई है तो इस वीक हमारी स्टोरीज पूरी चली है अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह चल जाएंगी। अगर आप देख रहे हैं तो मतलब पूरी चल गई, तो हमें दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ एक नए पॉडकास्ट का, तब तक के लिए सी आप अल्लाह हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।